Hey there, this is CodeCat15. मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से मैं प्रोटोकॉल यूज़ करके मेरे कोड को और भी क्लीन, मैनेजेबल और टेस्टेबल बनाता हूँ। वेल, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोटोकॉल्स के साथ थोड़ा केयरफुल नहीं रहे तो वॉट यू माइट एंड अप इज़ ए फैट प्रोटोकॉल सिनारियो। अब ये फैट प्रोटोकॉल होता क्या है और इसे अवॉइड कैसे करें, ये हम आज के डेमो में देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो आईफोन प्रोग्रामिंग में है या आने वाले हैं तो उनके साथ भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक एट अवर टुडेज डेमो हियर। सो मेरे पास एक प्रोटोकॉल है ह्यूमंस विच हैज़ 4 सेट ऑफ फंक्शनैलिटी, और मेरे पास एक क्लास है पर्सन जिसने ह्यूमंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल दी फंक्शंस ओवर हियर। सो फार सो गुड, एवरीथिंग लुक्स फाइन। बट लेट्स से आई हैव अनदर क्लास कॉल्ड एज लायन, एंड लायन इम्प्लीमेंट्स ह्यूमंस। लेट्स सी हाउ दैट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे मैं स्लीप के लिए कोड कर सकता हूँ, मैं ईट के लिए कोड कर सकता हूँ बिकॉज लायन ईट्स एंड स्लीप्स, बट लायन डज नॉट बाय अ हाउस। सो ये फंक्शन मेरे किसी काम का नहीं है, और लायन तो जॉब पे भी नहीं जाता, तो ये फंक्शन भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट फैट प्रोटोकॉल इज, यानी कि आपके आपके क्लास में आपने एक ऐसा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ फंक्शनैलिटी है जिसकी आपके क्लास को कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो जब भी आप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हो किसी भी क्लास में, तो मेक वेरी श्योर उसके पास वही फंक्शंस हो जिसकी ज़रूरत है उस क्लास को, कुछ एडिशनल फंक्शन ना हो। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस फैट प्रोटोकॉल इशू? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोटोकॉल ऐड करूँगा विच इज़ कॉल्ड एज एनिमल, और इसमें मैं वही फंक्शन ऐड करूंगा जिसकी हमें ज़रूरत है विच इज़ ईट एंड स्लीप। और रादर देन इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमंस मैं क्या बोलूँगा, आई जस्ट रिप्लेस इट विद एनिमल्स एंड आई गेट रिड ऑफ दिस टू फंक्शंस। सो दिस इज हाउ विल रिजॉल्व द फैट प्रोटोकॉल इशू। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब भी आप किसी भी क्लास में प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आप खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या मेरे क्लास को उस प्रोटोकॉल में जितने भी फंक्शनैलिटीज है उसकी ज़रूरत है क्या। अगर है तो ही इम्प्लीमेंट करो, अगर नहीं है तो प्रॉबेबली यू हैव टू क्रिएट सम अदर प्रोटोकॉल समथिंग लाइक दिस। नाउ यहाँ पे जब मैं अपना खुद का कोड देखता हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे पास दो फंक्शन है विच इज़ सेम। सो क्या मैं इन दोनों फंक्शनैलिटी को किसी एक प्रोटोकॉल में ऐड कर सकता हूँ? सो विच इज़ येस, बिकॉज वी ह्यूमंस एंड लायंस वी बिलोंग टू दी कैटेगरी मैमल। सो आई विल क्रिएट अ मैमल प्रोटोकॉल and I'll say cut and paste, and this protocol can inherit mammal and I'll get rid of this। यहाँ पे आप एनिमल में एक और कोई एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल जो है वो लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाते, ना ही डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। व्हाट दे डू इज दे हंट, सो यू कैन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड एज हंट, राइट? सो द पर्सन क्लास लुक्स ओके, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस क्योंकि आपने एक नई फंक्शनैलिटी ऐड की है आपको सिर्फ वही ऐड करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। सो दैट बीइंग सेड, आई रियली होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन फैट प्रोटोकॉल्स इन द कॉमेंट्स, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो @codecat15@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।